हाय गाइस वेलकम टू दिस सेशन वैसे तो हम इस सेशन में ये लेवल टू का सेशन है हम लोग एडिटोरियल और बिजनेस पेज डिस्कस करते हैं बट आज थोड़ा uh, सा चेंज इस है इसमें आई विल टेल यू अ स्टोरी आई विल नरेट अ स्टोरी टू यू जो कि काफ़ी दर्द भरा अजीब सा स्टोरी है एंड दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट नामबी नारायणन ओके नामबी नारायणन इसरो के एक साइंटिस्ट थे लेट मी शो यू हिज फोटोग्राफ ही इज नामबी नारायणन टुडे ओके क्या खास बात है इनके स्टोरी में अभी आप देख लो ना नामबी नारायणन वॉज अ साइंटिस्ट इन इसरो ओके okay? इसरो में ये साइंटिस्ट है एंड ड्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टीज मतलब कि 1992 93 के आसपास हो सकता है डेटा थोड़ा गलत हो 1990 के आसपास ये एक इसरो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ज़रा देखते हैं वो प्रोजेक्ट कौन था कौन सा था वो प्रोजेक्ट था क्रायोजेनिक इंजन का कैसा इंजन क्रायोजेनिक इंजन अब क्रायोजेनिक इंजन एक खास तरह का इंजन होता है जो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है और ये इंजन आपके पास होना ही मांगता है इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस अगर आप अपना रॉकेट्स भेजना चाहते हैं आप अपना सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं तो यू शुड हैव क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रोजेक्ट था उसके डायरेक्टर कौन थे नाम्बी नारायणन और अब देखो नामी नारायणन के साथ हुआ क्या कि सी आई ए आप जानते हो सी आई ए जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की इस इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ही है कि कोई अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री कुछ अच्छा करे तो उस प्रोजेक्ट को फ्लॉप कर देना तो उसने सोचा कि अगर इंडिया के पास अगर इंडिया के पास क्रायोजेनिक इंजन आ गया तो इंडिया स्पेस में अपना सैटेलाइट्स भेजने लगेगा ओके okay. सो so, उसने एक चाल चली और उसने एक चाल चल के नाम नारायणन को गलत तरीके से ट्रैप कर लिया ट्रैप कर लिया मतलब इनको फंसा दिया और यहाँ के पुलिस को देखो केरला की ये बात है आप देखो हमारे देश में क्या क्या हुआ है यहाँ के पुलिस को और यहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और नामवी नारायणन को अरेस्ट कर लिया गया नामवी नारायणन को टॉर्चर किया गया बोला गया कि ये फॉरेन कंट्री के स्पाई हैं ये क्रायोजेनिक इंजन के सीक्रेट्स दूसरे कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं ओके और ये बोल के इनको फंसाया गया अब इनको फंसाने से क्या हो गया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही जब हट गया तो प्रोजेक्ट डिले हो गया तो जस्ट टू डिले द क्रायोजेनिक इंजन और कितने साल डिले हो गया ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स इंडिया का ये प्रोजेक्ट डिले हो गया नामबी नारायणन के फंसने की वजह से और नाम नारायणन जब फंस गए 1994 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ़ सारे चार्ज हटाए और भी बहुत सारा इनको मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ा सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट मैन ऑफ इंडिया नाम भी नारायणन जिनको अभी पिछले साल ही पद्म भूषण दिया गया है ये उनका इंटरव्यू है चलिए देखते हैं इनके बारे में कि ये क्या कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में ऐसा है हमारा सिस्टम एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एक कांस्टेबल अरेस्ट कर सकता है लेट अस लुक एट हिज स्टोरी आई नेवर वांटेड टू डाई एज अ ट्रेटर देख लो एज का यूज मैं कभी भी एक गद्दार के रूप में एक ट्रेटर के रूप में एक विश्वासघाती के रूप में नहीं मरना चाहता था जरा देखते हैं क्या कहता है सिटिंग इन हिज हाउस इन तिरुअनंतपुरम नामबी नारायणन सेवेंटी नाइन फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेड ही इज सेटिस्फाइड आउटकम ऑफ हिज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड लीगल फाइट छब्बीस साल तक इनकी कानूनी लड़ाई चली ही स्पोक टू रमेश बाबू रमेश बाबू ये कॉरेस्पॉन्डेंट है जो इनसे बात करने गए थे आफ्टर एक्सेप्टिंग द वन पॉइंट थ्री करोड़ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट ने इनको वन पॉइंट थ्री करोड़ कॉम्पेंसेशन दिया है ये एक बहुत ही मीगर अमाउंट है मैंने आपको मीगर बताया है ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट है मीगर अमाउंट है फॉर द पुलिस फॉल्सली इंप्लीकेटिंग हिम एज अ स्पाई देखो किसी को इंप्लीकेट करना जरा इस वर्ड को देख लो पुलिस ने इनको कैसे फंसाया फॉल्सली इम्प्लीकेट किया मतलब फॉल्स चार्जेस लगाए इनको इम्प्लीकेट करना इम्प्लीकेट करना मतलब किसी को किसी क्राइम में फंसाना फॉल्स तरीके से फंसाना इम्प्लीकेट और राइट तो इसको इनको किस रूप में इम्प्लिकेट किया स्पाई के रूप में अब एक्सर्ब्स लुक लुक एट दिस लुक एट दिस वर्ड एक्सर्ब्स एक्सपर्ट नहीं एक्सर्ब्स ई एक्स सी ई आर पी टी एस जब किसी भी किताब का इंटरव्यू का कोई छोटा टुकड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सर्ब्स कहते हैं दिस विल बी आर्ज इन योर वन वर्ड सब क्योंकि ये पूछा गया है नॉलेटस सी कि पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है कैन वी से इट इज़ अ हैप्पी एंडिंग क्या हम कह सकते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग रहा आपके लिए आई एम सेटिस्फाइड बट आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड ओनली आफ्टर एयरिंग ऑफिशियल्स मैंने आपको ये वर्ड बताया है डू यू रिमेंबर गाइज एरर का शॉर्ट फॉर्म टू एर इज ह्यूमन मैंने आपको ये फ्रेज भी बताया था टू अर इज ह्यूमन मतलब गलती करना ह्यूमन है तो ये कब सेटिस्फाइड करेंगे ओनली आफ्टर एयरिंग ऑफिशियल्स जो गलती किए थे ऑफिशियल्स हु इम्प्लिकेटेड मी इन द केस आर पनिश्ड जिन्होंने केस में मुझे इम्प्लीकेट किया था वो पनिश करूँ पनिश हो जाए आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हेफ्टी कॉम्पेंसेशन हेफ्टी कॉम्पनसेशन मतलब बहुत भारी भरकम अमाउंट वाला आपको दोनों वर्ड देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ मीगर ये भी अमाउंट के साथ लगता है वेरी स्मॉल बहुत छोटा और हेफ्टी हेफ्टी भी अमाउंट के साथ लगता है हेफ्टी फाइन हेफ्टी टैक्स हेफ्टी अमाउंट तो ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ऐसा कहा है आई हैड देखते हैं आई हैड टू कीप माई फाइट अ मुझे अपना फाइट जिंदा रख, रखना था आई केप्ट माई सेल्फ अ मैंने अपने आप को सिर्फ जिंदा रखा ओनली टू टेल माई स्टोरी मैं अपना स्टोरी बताने के लिए बट आई होप इनके लिए एक जैन कमीशन भी बना था बाई हो बट आई होप द जैन कमीशन अपॉइंटेड बाई द टॉप कोर्ट जो टॉप कोर्ट ने अपॉइंट किया था विल फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे उनको फिक्स करेगा उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी किन के ऊपर ऑन द एयरिंग ऑफिशियल्स। आई नेवर वॉन्टेड टू डाई एज अ ट्रेटर मैं गद्दार के रूप में कभी भी नहीं मरना चाहता था देखो इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ हमारा कंट्री क्या कर सकता है इन सच लॉन्ग फाइट्स मेनी इनोसेंट गिव अप एंड सरेंडर टू डेस्टिनी अगर ऐसी लड़ाइयाँ सिर्फ नामबी के साथ ही नहीं हुई सिर्फ इनके साथ ही ये लड़ाई नहीं हुई इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और ऐसी लंबी लड़ाइयों में क्या होता है मैनी इनोसेंट जो इनोसेंट होते हैं वो भी गिव अप कर देते हैं हार मान जाते हैं और डेस्टिनी को सरेंडर कर देते हैं किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द केस अगेन लुक एट हिज एटीट्यूड कितना क्लियर एटीट्यूड है कि मैं केस के बारे में बात नहीं करना चाहता बट मैनी पीपल इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑफ मीडिया एड बहुत सारे लोग जिसमें एक सेक्शन ऑफ मीडिया भी था उन लोगों ने भी गलती की अर की देख लिया ना आप इसको मत बोलिएगा दे चर्न आउट जूसी स्टोरीज मैंने आपको चर्न आउट का मतलब बताया था चर्न आउट याद है जिस तरह लस्सी को मथते हैं हम लोग उस तरह चर्न आउट तो मीडिया वालों ने क्या किया ऐसे मथ मथ के जूस निकाल निकाल के बहुत सारे जूसी स्टोरीज इनके लिए ले आई ऑन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट वॉज डिलेड प्रोजेक्ट डिले हो गया वेल माई कन्विक्शन वॉज राइट फ्रॉम द डे वन कन्विक्शन मतलब देख लो इनका वो एटीट्यूड नहीं हारने वाला एटीट्यूड हार नहीं मानने वाला वो एटीट्यूड माई कन्विक्शन वॉज राइट फ्रॉम द डे वन वेन टू कांस्टेबल्स केम टू माई हाउस एंड टुक मी टू द पुलिस स्टेशन जिस दिन दो कांस्टेबल आकर मुझे पुलिस स्टेशन ले गए उसी दिन से मेरे मन में ये अधिक विश्वास था कन्विक्शन था बट आई फील ईच एजेंसी शुड बी अवेयर ऑफ इट्स ड्यूटीज़ एंड रेस्पांसिबिलिटीज़ ये जो एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सी बी आई पुलिस इनको अपने ड्यूटीज और रेस्पांसिबिलिटीज के बारे में अवेयर होना चाहिए इन माई केस कोआर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज वॉज ऑलमोस्ट जीरो दैट कंपाउंडेड माई वूज देखो एजेंसीज़ के बीच में जीरो कोऑर्डिनेशन था जिससे पता ही नहीं चलता था कौन सी एजेंसी क्या चाहती है क्या कर रही है और वो क्या किया इनके इसको वूज़ को कंपाउंड कर दिया आप देखो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है वैसा इनका वूज़ को बढ़ा दिया इन दिस कंट्री इवन अ कॉन्स्टेबल और इंस्पेक्टर कैन अरेस्ट अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड टॉर्चर लुक एट द लुक एट द कंडीशन ऑफ द कंट्री आई फील सिस्टम शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल I was the happiest when I was honored with Padma Bhushan last year. Alright, so this is a very, very sad story of a very, very brilliant mind uh, and a great son of India, Nambi Narayan. Go ahead, look for him, look at his interviews on YouTube. Okay, you should know these stories and you should know about these people. How was the story, guys? Go ahead and please leave a comment in the comment box. और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी आर्टिकल ऑन द एडिटोरियल पेज इंस्टेड वी विल लुक एट द कंटेंट ऑफ दिस पेज ये लार्सन एंड टोब्रो लार्सन एंड टोब्रो एल इसको बोलते हैं शॉर्ट में एल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की दुनिया की टेक्नोलॉजी मतलब कंस्ट्रक्शन और ये सब सारी चीज़ों में ड्रिलिंग लार्सन एंड टोबरों का बहुत नाम है तो आप देखिए कि इन्होंने अपने ऐड में क्या कहा है टाइम फॉर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू एक्ट इन यूनिजन फॉर नेशनल कॉज राष्ट्र के हितों के लिए राष्ट्र के कार्य के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों एक्ट करें काम करें किस चीज़ में यूनिजन में यूनिजन मतलब टैंडम तालमेल में कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन को हेरेंस ओके सो आई विल ट्राई टू डिस्कस द इंटायर पेज काफी अच्छे अच्छे फ्रेजेज और ये सब इस्तेमाल किए गए इसमें अगर आप मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इफ आई एम इफ आई एम एबल टू डिस्कस दिस बिकॉज ऑफ द टाइम देन यू गो अर एंड ट्राई टू रीड इट ओके okay. ये एम नायक हैं ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये क्या कहता है डियर शेयर होल्डर्स किसके लिए ये एड्रेस्ड है ये लेटर शेयर होल्डर्स के लिए आई एम एड्रेसिंग यू ऑल एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट एंड द कंट्री आर फाइंडिंग चैलेंजेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स कई मोर्चों पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं द गवर्नमेंट इज बैटलिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक हुआ साइमल्टेनियसली और उसी के साथ साथ ट्राइंग टू रीबिल्ड रीबिल्ड एंड रिवाइव द इकॉनमी इकोनॉमी को रिबिल्ड और रिवाइव करने के साथ साथ ग्लोबल पैंडेमिक से भी चैलेंजेस लड़ रहे हैं फर्दर इसके आगे इंडिया फेसेस एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ के रिजल्ट के रूप में फ्रिक्शन चैलेंज फेस कर रहा है बिकॉज फ्रिक्शन हो गया कहाँ पे? ऑन आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स एज ऑलवेज योर कंपनी स्टैंड विद द नेशन एंड इट्स लीडरशिप इन दिस आवर ऑफ़ नीड कंट्री किसके साथ कंपनी किसके साथ स्टैंड कर रहा है नेशन के साथ और इसके नेतृत्व के साथ ठीक है अब देखो आप इधर चैंपियनिंग आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने ये जो स्लोगन स्लोगन दिया आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इसको चैंपियन कर रहे हैं मतलब इसको हम प्रमोट कर रहे हैं इसको हम बूस्ट कर रहे हैं ठीक है ना अब देखते हैं जरा क्या कहता है ये रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेड अ रैलिंग कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉल दिया था मोदी जी ने और कितना इस पर जोर दिया था और कितने लोग इसके पीछे आए कैसा माहौल बना ऐसे कॉल को क्या किया गया है रैलिंग कॉल कहा गया ठीक है ना मतलब जिसने पूरा माहौल बना दिया रैलिंग कॉल जिसने पूरा मोटिवेट कर दिया जोश भर दिया मिनिस्टर मेड अ रैलिंग कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत व्हिच हैज रेजोनेटेड अक्रॉस द कंट्री समझ गया ना जो जिसकी आवाज़ पूरे देश भर में रेजोनेट कर रही है रेजोनेट कर रही है का मतलब क्या देखो मान लो गिटार का ये स्ट्रिंग है आप यहाँ पे इसको हल्का सा छेड़ते हो पूरा कंपन जो है इसका यहाँ तक पहुँचता है इस तक तो उसी को रेजोनेशन कहते हैं तो मोदी जी ने जो एक जगह बोला वो पूरे देश में उसका कंपन उसका रेजोनेशन महसूस किया जा रहा है रेजोनेंस और ये सारी चीज़ें पढ़नी है फिजिक्स में वही वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है आई बिलीव दैट आत्मनिर्भरता represents द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप टू मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया का जो स्टेप था इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आत्मनिर्भर भारत एकदम लॉजिकल स्टेप है प्रैक्टिकल स्टेप है क्यों भाई आत्मनिर्भर भारत क्यों हो सकता है इसका मेक इन इंडिया घर इंडिया में बनाओ का नेक्स्ट स्टेप क्योंकि फॉर इट जहाँ भी लग गया फॉर इट तो इसका मतलब हो गया बिकॉज ओके okay? आप ये सारी चीज़ें लिखते चलो uh, क्योंकि ये इनकम पास करता है अपने में इंक्लूड करता है एंटायर वैल्यू चेन ऑफ डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवरी देखो इनकम पास करने का मतलब क्या हो गया मान लो कि आपका कम पास कैसा होता है एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड से आप एक ऐसा आर्क बनाते हैं कम पास तो इस आर्क के अंदर जो भी चीज़ आ गई वो सब इसने इंक्लूड कर लिया इसी तरह कोई चीज अगर कोई रूल अगर कोई चीज किसी चीज़ को इनका इनकम पास करता है तो वो पूरी चीज़ को इंक्लूड कर लेता है और जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है ये क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है सबसे पहले तो डिज़ाइन कोई भी मशीन बनेगा या कोई भी चीज़ बनेगी उसका डिज़ाइन होगा फिर क्या है प्रोक्योरमेंट उसके लिए सामान कहाँ से लाया जाएगा ठीक है ना फिर क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चर अब उसको बनाया कैसे जाएगा और फिर डिलीवरी तो ये मोदी जी का जो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो स्लोगन है वो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है मतलब कि इनकम पास करता है दिस इज एन अपॉर्च्यून मोमेंट देखो अपॉर्चुनिटी नहीं लिखा है अपॉर्च्यून ऐसा चीज जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कहेंगे अपॉर्च्यून तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया और अपॉर्चुनिटी क्या हो गया नाउन हो गया तो दिस इज एन अपॉर्च्यून मोमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू एक्ट इन यूनिजन तालमेल में काम करने का एंड एडवांस नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हितों को हम लोग एडवांस करें मतलब आगे बढ़ाएं योर कंपनी हैज ऑल अलोंग मतलब इतने सालों में जब से ये कंपनी चल रही है तो ऑल अलोंग द ईयर्स बीन चैंपियनिंग सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस के काउस को हम लोग चैंपियन करते आ रहे हैं मतलब हम लोग इसको बढ़ाते आ रहे हैं इन द की सेक्टर्स ऑफ डिफेंस न्यूक्लियर पावर स्पेस रिसर्च पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ये कंपनी किस किस सेक्टर्स में काम कर रही है किस किस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को चैम्पियन कर रही है डिफेंस में न्यूक्लियर पावर में स्पेस रिसर्च में पावर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में विथ टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एज द सेंट्रल थीम ऑफ आवर एंडवर्स एंडेवर्स का मतलब प्रयास इनके तो इनका जो केंद्रीय थीम है केंद्रीय आइडिया है इनके एंडेवर्स में इनके प्रयासों में वो क्या है टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो ऐसे ग्रोथ के लिए जो सस्टेन हो सके जनरेसन्स तक ऐसा नहीं कि ऐसा ग्रोथ कर दिए कि आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा तो ये कहा और क्या कहता है वी रीटरेट आवर कमिटमेंट रीटरेट मतलब हम लोग दोहरा रहे हैं अपने कमिटमेंट को किस चीज के लिए टू राइज टू द ओकेजन अब देखो ये idiom मैंने आपको बताया है राइज टू द ओकेजन मतलब अगर कोई बुरा परिस्थिति आया और इस समय आप खड़े होकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए इस बुरे परिस्थिति से तो यू राइज टू द ओकेजन जैसे इंडिया का फाइनल याद करो महेंद्र सिंह धोनी ज सिंह को भेजकर खुद पहले आए युवराज सिंह को ना भेजकर तो ही रोज टू द ओकेजन धोनी रोज टू द दा ओकेजन दैट डे तो ये कंपनी क्या कह रही है कि हम अपना कमिटमेंट किस चीज का कमिटमेंट राइजिंग टू द ओकेजन का कमिटमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनल कॉज में ये जो ओकेजन आ गया है ये जो विपदा आ गई है इसके सामने हम खड़े होंगे और लड़ेंगे राष्ट्र के हितों के लिए तो राइज टू द ओकेजन आप लिख लेंगे और राइट नाव लेट मी शो यू दिस पिक्चर ये देखो ये एक ऑयल वेल well है समंदर के अंदर यहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा है यहाँ पे सारे इंजीनियर्स रहते भी हैं और यहाँ पे ड्रिलिंग चलते रहता है समंदर के अंदर बॉम्बे हाई एक ऐसी जगह है शायद अब देखो इसने क्या किया है इस कंपनी ने हेवीएस्ट इंटीग्रेटेड गैस प्लेटफॉर्म इन सऊदी अरामकोज हिस्ट्री हम लोगों ने बिजनेस स्पेस पे इस कंपनी का नाम सुना था सऊदी अरेबिया के ऑयल जेंट इंस्टॉल्ड एट हसबा फील्ड सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया में एक ऑयल फील्ड है वहाँ पर इन्होंने इसको इंस्टॉल किया है अब देखते हैं कि ये आगे क्या कह रहे हैं द फिनेशियल सिस्टम इज ऑल्सो इन नीड ऑफ अटेंशन इन टैंडम मतलब इन कोऑर्डिनेशन द एडमिनिस्ट्रेशन वुड डू वेल टू स्ट्रीम लाइन प्रोसेस कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रशासन है वो क्या करेगा अच्छा काम करेगा प्रोसेसेस को जरा सा मैं इसको और एनलार्ज कर देता हूँ प्रोसेसेस को कैसा करने में स्ट्रीमलाइन करने में मतलब उनको तेज बनाने में उनको ज़्यादा भारी नहीं बनाने के उनको सटीक बनाने के लिए स्ट्रीमलाइन करना किसी चीज़ को जब आप स्ट्रीमलाइन करते हैं तो फालतू की चीज़ों को हटा देते हैं तो प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा और क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेलरेट द पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा डिसीजन लेता है ना तो डिसीजन लेने की जो गति है उसको तेज करेगा किसको हटाकर प्रोसेस uh, को स्ट्रीमलाइन करके ओवर एंड अब मतलब इन सब के ऊपर इट्स बिजनेस गोल्स ये बिजनेस गोल्स भी हैं ठीक है ना एल एन लार्जर रेस्पॉसिबिलिटी टू सोसाइटी एंड नेशन तो कहता है क्या कि अपने बिजनेस गोल्स के ओवर एंड अबव मतलब इनका जो भी बिजनेस का जो टारगेट है उससे ऊपर एल एन टी का एक लार्जर रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है सोसाइटी और नेशन की तरफ राइट राइट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ कोविड 19 अब ये देखो ऑनसेट मतलब अराइवल आपने ऑनसेट ऑफ मानसून पढ़ा है ना जियोग्राफी में तो राइट फ्रॉम द अराइवल ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक एल एन टी अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट मेजर्स देखो मेजर्स कैसे स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्स मेजर्स के पहले क्या लगा दिया स्ट्रिंजेंट लगा दिया आपके क्लोज टेस्ट में ऐसा कर सकता है कि स्ट्रिंजेंट के साथ साथ स्ट्रिक्ट भी दे दे तो आप स्ट्रिंजेंट ही लगाएंगे मेजर्स के साथ वैसे ये देगा नहीं ऐसा इतना क्लोज नहीं देगा क्लोज टेस्ट में एल एन टी अडॉप्टेड स्ट्रिजेंट मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल एंड स्टेक होल्डर्स जो भी इसके पीपल हैं इंप्लाइज हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए कड़े नियम अप्लाई किया फ्रॉम द अराइवल ऑफ कोविड नाइनटीन एट द ग्रुप लेवल एल एन टी कंट्रीब्यूटेड इतना करोड़ टू अच्छा इसमें तो छोड़ दो अब मैं आपको आगे दिखाता हूं केयरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन ऐसे वर्कमैन जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे एलएनटी उनको पैसे देने का रिस्पॉन्सिबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट खत्म या फिर इस तरीके की चीज़ उनके लिए कैसे केयर किया वी टुक इट अपॉन आवर सेल्फ देखो ये जो आपका फ्रेज है टेक इट अपॉन माई सेल्फ या योर सेल्फ इफ़ आई से दैट आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ मतलब ये जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ले लिया मुझे उनको ये जरूरी नहीं था मैं उसके लायबल नहीं था जैसे आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू टीच देम इंग्लिश मतलब मैंने इस जिम्मेवार को अपने ऊपर ले लिया तो एल क्या कहता है कि हमने अपने ऊपर ले लिया टुक इट अपऑन आवर सेल्फ टू इंश्योर यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक लाख साठ हज़ार कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन एट आवर प्रोजेक्ट साइट रिसीव्ड गुड केयर उनको कम से कम बढ़िया केयर मिले बाय कंटिन्यूइंग टू पे देम देयर वेजेस कैसे उनको हम लोग सोचे कि उनको बढ़िया केयर मिले उनको उनका वेजेज उनकी सैलरीज पे करते रहे उनको फूड प्रोवाइड करते रहे उनको शेल्टर देते रहे और मेडिकल असिस्टेंस देते रहे ठीक है ना दिस इनवॉल्व एन आउटले ऑफ अब देखो ये सारा चीज करने में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इतनी सारी चीजें देने में क्या हुआ दिस इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ आउटले वर्ड देख लो आउटले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड करोड़ पर मंथ ड्यूरिंग स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन पीरियड मतलब कि इसके लिए 500 हंड्रेड करोड़ पर आउटले किया गया मतलब लॉट किया गया ठीक है ना आपके पास पाँच सौ रुपया है इसमें से किस किस फील्ड में आप कितना कितना रुपया लगाएंगे वही है आउटले इसको साधारण भाषा में एस्टिमेट कह सकते हैं अलोकेट कह सकते हैं ओके बजट आउटले अगर आप बजट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा बजट आउटले देख लो पहले मैं टाइम देख लूँ जरा अभी भी है टाइम थोड़ा तो मैं आपको इसको भी कंप्लीट कर देता फर्दर आवर कंस्ट्रक्शन बिजनेस हैज कन्वर्टेड हॉस्पिटल्स टू कोविड केयर सेंटर्स एट सिक्स लोकेशंस अराउंड द कंट्री पूरे कंट्री में सिक्स लोकेशंस पे क्या किया है एट लगाया है देख लो वहाँ पर आ वर्स स्मार्ट सोल्यूशन हेल्प सिविक अथॉरिटीज इन डिफरेंट सिटीज सिविक अथॉरिटीज मतलब ये जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया पुलिस हो गया एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जो सिविलियंस के लिए काम कर रही है उनको इनका स्मार्ट एप्लीकेशन उनको किस चीज़ में मदद करता है क्राउड मॉनिटर करने में और अथॉरिटीज को अलर्ट करने में योर कंपनीज योर कंपनीज मतलब आपका कंपनी और कौन सी कंपनी एल एंड टी पब्लिक स्पिरिटेड इनिशियटिव इनके जो इनिशिएटिव हैं मतलब इनके जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं पब्लिक स्पिरिटेड पब्लिक के स्पिरिट के साथ पब्लिक के ध्यान में रख के हैव बिन अप्रिशिएटेड बाय वेरियस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल राइट नाउ लेट मी शो यू समथिंग मोर फर्स्ट लेट मी शो यू दिस मशीन लुक एट दिस मशीन ओके okay. ऐसे तो पता भी नहीं चल रहा है कि एक ऐसी मशीन है क्या काम करती है जरा आप नीचे देखो कि क्या लिखा है एल एन टी सेट द वर्ल्ड सेट द रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई वैक्यूम प्रेशर वेसल और वेसल का मैंने आपको मतलब बताया था बर्तन तो हाई वैक्यूम प्रेशर वेसल है ये और ये किस चीज के लिए काम करता है जरा देखें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रेशराइज चैनल सबसे पहले ये जो ब्लू कलर में लिखा है इसको देख लो एल एन टी इंजीनियर्स आर फ्लैग बियरर्स फ्लैग बियर मतलब पायनियर्स जो झंडा उठाकर सबसे आगे चल रहे हैं एल एन टी इंजीनियर्स आर फ्लैग बियरर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री किसी भी चीज में जो सबसे आगे चलने वाले लोग होते हैं ठीक है ना उनको फ्लैग बियरर्स कहा जाता है इन द ग्लोबल क्वेस्ट फॉर फ्यूजन एनर्जी देखो ग्लोबल क्वेस्ट मतलब पूरी दुनिया जो चाह रही है पूरी दुनिया का जो चाह है क्वेस्ट है किस चीज़ के लिए फ्यूजन एनर्जी के लिए अब न्यूक्लियर फ्यूजन तो आपने देखा है कि एक यूरेंनियम एटम दो चीज़ों में टूटता है और उससे एनर्जी निकलती है लेकिन आपने ये भी देखा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम एटम बना देते हैं और इससे भी एनर्जी निकलता है तो वहाँ पे क्या था एक एटम दो छोटे छोटे एटम्स में टूट रहा था और यहाँ पे क्या है दो छोटे छोटे एटम्स दो छोटे छोटे एटम्स जुड़ के एक बड़ा एटम बना रहे हैं हीलियम एटम तो यही है फिज़न सॉरी ये है फ्यूज़न दो चीज़ें जब जुड़ रही हैं तो क्या हो रही हैं फ्यूज़ हो रही हैं ठीक है ना तो अभी पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी से एनर्जी प्राप्त करना चाह रही है एनर्जी जनरेट करना चाह रही है क्यों क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होते हैं इसमें रेडिएशंस नहीं होते हैं आपके अल्फा बीटा और ये जो गामा किरणें होती हैं रेज होती हैं मैं भी किरणें बोलने लग गया हूँ ये एमिट नहीं होती है इसीलिए पूरी दुनिया इस क्वेस्ट में लगी हुई है इस तलाश में लगी हुई है अब उसके लिए इसने क्या किया है एल ने क्या किया है देखो

अब लैंडमार्क आप क्यों किसको बोलते हैं आपके घर में कोई अगर इम्पॉर्टेंट जगह है इम्पॉर्टेंट जगह घर में नहीं घर के बगल में जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया स्कूल हो गया कॉलेज हो गया तो वो आपके घर का लैंडमार्क बन जाता है उसी तरह ये जो अम्पलिशमेंट है ये लैंडमार्क का अकम्पलिशमेंट है किसके द्वारा बाई और कंपनीज इंजीनियर्स हु आर फ्लैग वियरर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इन द क्वेस्ट फॉर फ्यूज़न एनर्जी और तो देखा आपने कि, 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 कितनी सारी चीज़ें रिवाइज किया और कैसा इसका लैंग्वेज है आप ये देखिए गेटिंग बैक ये होता है एक ऑफिशियल सटीक लैंग्वेज जो बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा है और आपको ऐसा लैंग्वेज पढ़ने से ऐसा लगेगा कि कंपनी के बारे में सारी अच्छी बातें लिखी हैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ़ वी एज अ नेशन हम एक नेशन के रूप में रिमेन यूनाइटेड एंड रिजॉल्व टू सेट आवर सेल्फ फ्रॉमली ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ ये प्रतिज्ञा लेते हैं अपने आप को सेट करने के लिए किस पाथ पर दृढ़तापूर्वक ग्रोथ के पाथ पे वी विल टेक अग स्टेप फॉरवर्ड हम लोग एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड लेंगे टुअर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स किस दिशा में अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में और गोल्स क्या है ऑफ सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी ओके अब देखो मोटेरा स्टेडियम का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ दिस इज द व्यू ऑफ मोटेरा और इसको भी कौन बनाया है इसको बनाया है एल एन टी ने और राइट सो That will be all in today's video, and I hope you have liked the video. Very soon, very soon, I will bring the words video for you also. So keep enjoying your day and keep learning. Bye bye.